इस दीवार पर जो बाबा जी थे वो बैठे थे, तो तो उसके ये स्वागत आगे में बढ़ दो गई कदम है। आगे बढ़ी थी ये दीवार। अच्छा, तो इसलिए देखो ये कोतकला में मौजूद है, हम आपको बारीकियों से दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस कितने सुंदर सुंदर मोर बनाए गए हैं। ये देखिए इसकी सुंदरता, बाहर से कितना सुंदर ये दिखने लग रहा है। ऊपर शेर बैठे हैं, हाँ ऊपर शेर बैठे हैं, मोर बैठे हैं। और ये देखिए अंदर चलेंगे हम, अंदर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मेरे को भी नहीं पता कि अंदर क्या है और क्या नहीं है। काफी बड़ा डेरा है ये, मेरे को इस डेरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर मौजूद है जो बाबा जी, उनसे पूछेंगे, मंजीत जी हमारे साथ में हैं, इनसे पूछेंगे क्योंकि ये डेरा इनके गांव में है। मंजीत जी, जी मैम इस बोलिए। डेरे के बारे में कुछ बताना। चलो आपको पहले सैर करवाते हैं। देखिए थोड़ा इसके बारे में बता दें कि जो एशिया में आई पंथ की जो सबसे बड़ी गद्दी है वो कोथ मठ की है, श्री दादा काला पीर मठ कोथ कला धाम की है। और यहाँ पर जो पीठाधीश्वर है महंत शुक्रायनाथ जी महाराज है, आज तो वे बाहर है, ले मिले यहाँ नहीं पे है। मौजूद नहीं है, और लेकिन कभी उनसे भी मिलेंगे। जो पूरा डेरे का भ्रमण आपको करके दिखाएंगे कि इसमें कौन सी जगह क्या कुछ है। देखिए आप एक बार ये पीछे देख रहे हो, उस साइड सबसे पहले परली साइड, इसे परली साइड धूणा था, जो बाबा कड़ा पीर का धूणा था वो उस साइड था, लेकिन उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये अगर देखिए ये अभी आपको दीवार नहीं दिख रही है, तो यहाँ से भी वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये अब बंद कर दिया है। इसको जो महाराज जी बाबे जी हैं वो अगर आवे हैं तो रेस्ट करने के लिए होल बनाया गया है इस साइड। तो आगे चलेंगे, आगे आपको और यहाँ की दिखाएंगे। क्या क्या खास चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये हम नई थर्टबार का गेट दिखा था, कितना सुंदर था। ऊपर शेर भी बैठे थे, मोर भी बैठे थे। अरीब हम डेरे के भीतर हैं और इस डेरे की क्या खासियत है, क्या देखने की चीज है। पूरे जो डेरा है इसका भ्रमण करवाओगे आपने, आ जाओ। एकदम इस दीवार ने बढ़ाए थे, तो ये जो लोक प्रचलित है यानी जो कथाओं के अनुसार जो हमने मतलब पता ये लग गया दीवार का है। हिस्सा है, हाँ दीवार है, इस दीवार पर जो बाबा जी थे वो बैठे थे, तो तो उसके ये आगे स्वागत नहीं में दो बढ़ेगी कदम ये। आगे बढ़ी थी ये दीवार। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिद्ध श्री दादा काला पीर जी द्वारा चलाई गई मिट्टी की दीवार का पवित्र अंश, मतलब ये उसका एक हिस्सा है उस दीवार हाँ का। और हाँ आगे भी आपको आगे ये लिखा है कि समाधि में रखी थी पहले, लेकिन अब इसको यहाँ रख दिया गया है। ये जो पेर जी गद्दी है, हाँ ये पेर जी की गद्दी है, आप पीर देख जी की सकते गद्दी हैं। है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मंजीत जी को ज्यादा पता है इस चीज के बारे में, तो ज्यादा जानकारी हम मंजीत जी से ही प्राप्त करेंगे। तो ये पीर जी की गद्दी है यहाँ पे। और आओ आपको अंदर भी एक बार ऊपर से दिखाना सारी, ऊपर भी बहुत सुंदर है, ऊपर बहुत सारा बड़ा झूमर भी लगा हुआ है एक। जो पेर जी गद्दी है, हाँ ये पेर जी की गद्दी है, आप पीर देख जी की सकते गद्दी हैं। है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मंजीत जी को ज्यादा पता है इस चीज के बारे में, तो ज्यादा जानकारी हम मंजीत जी से ही प्राप्त करेंगे। तो ये पीर जी की गद्दी है यहाँ पे सारी, ऊपर भी बहुत सुंदर है, ऊपर बहुत सारा बड़ा झूमर भी लगा हुआ है एक, बहुत बड़ा झूमर ऊपर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये डबल है, वो आरती हुआ है तो ये ये क्या बजाया जाएगा रहे है क्या ढोल है क्या ये, ना, ये उस ढोल की तरह ही है, मतलब तो ढोल की दोस तरह है, बोलते शायद इसको, बाबा मतलब की हर रोज दोस। बजाया जाता है ये हाँ आरती के टाइम बजती है। आरती के टाइम। और ये देखिए वैसे काफी बड़ा डेरा है और बहुत सुंदर डेरा है, बाहर से इतना बड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन बाहर की जो चित्रकारी है वो बहुत सुंदर है। एक इधर दिखाओ गेट के इधर, जय बाबा महायोगी श्री काला पीर जी महाराज, दोनों तरफ। ये अभी नया बनाया गया है क्या मंजीत जी? ये हाँ चल ही रहा काम इसका, तो ये पत्थर है जो राजस्थान से आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि नए दिख बहुत रही है अभी, हाँ नया बन लग रहा चित्रकारी है, देखो इसकी कितनी गजब मतलब तरीके छोटी से छोटी बना। चित्रकारी की गई है वहाँ भी। और यहाँ किस भीम पे तरह भी जो डिजाइन, स्तंभ होते हैं ना, स्तंभ पे भी देखिए कितनी लगभग स्त्री अच्छी, मतलब बनाई गई है, बहुत अच्छी कई सालों क्वालिटी से होती है काम उनकी। जाना है। महंत शुक्रायनाथ जी इस जगह बैठते हैं, तो ये कमरा है अंदर, मैं शुक्रायनाथ जी जो यहाँ के, हाँ पीठाधीश्वर हैं। जो योगी महाराज जी है शुक्रायनाथ जी, वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, उनसे भी बात करते हैं हम, वो कई बार गए हुए हैं, लेकिन ये जहाँ पर वे रहते हैं रेस्ट करते हैं, तो ये उनका रेस्ट रूम है। और आप अंदर चलेंगे, उस साइड पहले, हाँ ये पानी बारिश की वजह से आ रहा है क्या? बारिश का पानी है, तो कुछ अनाज वगैरह जो आवा है इसमें रख दे हैं या फिर इस जो मंडी में भी डाल श्रद्धालु दे, यहाँ पर आते हैं, जो गांव वाले तो हैं या हाँ कोई
सबसे मेन गद्दी ये जो दादा काला पीर की है, समाधि है ये, हाँ समाधि, सॉरी समाधि। डेरा है, डेरे की सबसे मेन गद्दी ये बताई जा रही है, और इसके अंदर हम चलेंगे और तस्वीर करेंगे। ये अखंड जोत है जो 24 घंटे चलती रहती है, यानी इसके अंदर दिखाई दे रही है यहाँ से? हाँ दिखाई दे रही है, बैक दिखाई। ये अखंड जोत गद्दी पे 24 घंटे चलती रहती है, अखंड जोत जो ही 24 घंटे चलती है उसको अखंड जोत बोलते हैं। ये किस लिए बनाया गया है? ये वाला कुछ ज्यादा पीड़ित हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पीड़ित। कुछ पशु पक्षी पक्षी है नहीं जो, अच्छा, वो भी हाँ हाँ मतलब पशु पक्षियों के लिए ये अनाज डाला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी छोटे छोटे मठ से बनाए हुए, हाँ बहुत से मिलेंगे, बहुत से मिलेंगे जो वो समाधि ले रहे नहीं, जो बाबा जी हैं बाबे हैं समाधि ले चुके हैं। तो ये उधर इसमें होगा, इधर भी है क्या? ना देखो ये छोटे 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 ये जो समाधि में बोल चुके हैं बाबा जी, ये छोटी छोटी क्या बोलते हैं इनको, मंडी नहीं समाधि स्थल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मंडी बोलते हैं, मंडी बोलते हैं, मंडी बोलते हैं, मंडी बोलते हैं। और ये बिमला माई का है आगे, यहाँ पर मतलब लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से, नहीं नहीं कोत के नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग उधर पहुंचे हैं। और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है? मेला भी लगा है, इसमें आए साल लग गया था जनवरी में, बहुत तकड़ा मेला, यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गाँव से ही है। 3 दिवसीय मेला कब लगता है? और 3 दिवसीय मेला हुआ नहीं, जो हिंदुस्तान के जितने बाबे हैं सारे उधर पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, जितने भी महाराज हैं सारे उधर आए, बहुत बड़ा मेला लग गया है। तो ये मेरा जब लगेगा ना उस टाइम पे भी हम यहाँ पे आएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे मतलब किसी भी दिन आ सकते हैं? नहीं, तो किसी भी दिन नहीं, कोई वो नहीं है, नहीं कोई दिन देख ले ना, वो बस वो देख ले, ये पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे वगैरह। तो ये दीवारें हैं बहुत अच्छी बनाई गई, काफी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और दीवारों पे भी ये कुछ गोल गोल प्रकार के बनाए हुए हैं, मतलब एक पहले संस्कृत में लिखे गए हैं और नीचे हिंदी में ट्रांसलेट है कि महान कार्य के लिए मनुष्य एक और संगठित हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब हर एक उसके साथ ज्ञानी विद्वान सदा जागरूक रहता है। तो ऊपर भी और नीचे भी संस्कृत में और नीचे हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं। और आप उधर से उधर देखोगे मतलब जितनी भी लंबी दीवार है ना पूरी दीवार पे ये अच्छे विचार लिखे गए, सुंदर संदेश है ये, लगभग पूरी दीवार पे बार भी मिलेंगे अच्छे खासे हैं। ये कितने सालों से है ये डेरा? ये तो मुद्दते है गांव में बसा, इस पे बसा था। अच्छा अच्छा, ये क्या है? देखो एक तांबे की कलश है, ये कलश एक तांबे का कलश इधर है और एक उस साइड भी तांबे का, दोनों साइड तांबे के कलश जी, बिल्कुल तांबे के है ना। तांबे के। और ये देख सकते हैं जो बिल्डिंग है, जो मठ है वो बिल्कुल एक सुंदर तरीके से बनाया गया है, यानी जो पत्थर है वो राजस्थानी पत्थर, एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का पत्थर लगाया गया है, बहुत महंगा पत्थर इन पे पत्थरों पे की गई है। तो काम लगभग चलता ही रहा है। और अंदर जालियां भी हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मठ है। एक मिनट, तो सबसे बड़े तपस्वी जो हुए हैं यानी जिनकी तपस्या अगर देखी जाओ तो ये महंत सुरजाई नाथ जी महाराज हैं, उनकी फोटो देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं सुरजाई नाथ जी महाराज हैं।
अभी उस साइड का भी बाकी है, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। और पूरा डेरा हमने आपको दिखाया काला पीर डेरा का, जो कि कोतकला हिसार में स्थित है। और आपको डेरा कैसा लगा आप भी बताना हमें उसमें, कोई नहीं। और जो यहाँ के महंत है, पीठाधीश है, जो इस डेरे के सुकराई नाथ है, ये उनकी फोटो है। अगर टंकी वगैरह है जो डेरे में है, मठ में है, तो ये खाली जगह पड़ी हुई है। तो ये पार्किंग नहीं, पार्किंग बनाई जाओगी इसमें, फुहारा लगेगा इसमें भी बनाया ही है। हाँ, ये पार्किंग बनेगी इस साइड, काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल 24 घंटे के श्रद्धालु आंदे रहे हैं। और यहाँ श्रद्धालुओं के लिए देखिए, हाथ धोने के लिए कुछ नहीं, माथा में लगा दे। मतलब ये लोग क्या आस्था है? आस्था है, बहुत सारे चिमटे और त्रिशूल भी हैं धोने के अंदर। तो यहाँ पे धुना चलता रहता है और चला ये हवन वगैरह करें तब भी उसी टाइम सारा इसी साइड करें। और आपको पता है जब हवन करते हैं तो हवा शुद्ध होती है, इसलिए हवन किया जाता है। गाय के लिए किसी पीछ। उसके लिए कि हवा शुद्ध हो हमारे वातावरण की, और हवा शुद्ध होगी तो बीमारियां भी दूर रहेंगी। पानी बारिश कर रहा है। ये महाराज जी बैठे हैं, देखो श्री दादा काला पीर मठ। देखिए ये पार्क है, यहाँ पर एक तालाब भी बीच में, और ये सती माता है तालाब के बीच में। और बहुत बढ़िया पार्क यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए पूरा डेरा, काफी बड़ा डेरा है, आपको बाहर से भी दिखा देते हैं एक बारी। ये देखिए सिद्धपीठ श्री काला पीर मठ कोथिसार, और बहुत सुंदर तस्वीरें हैं।